हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीश झा, सबका मेरे इस चैनल हेल्प इंडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर अगर आपका नेम का कोई करेक्शन है या फिर आपने प्रॉपर्टी न्यू परचेज किया है तो आप कैसे उसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको पूरी बातें बताऊंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर, और कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। मैं ये भी बता दूंगा, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और आपकी प्रॉपर्टी जो आपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि CA नंबर आपका बहुत ही ज़रूरी है। अगर बिल नहीं है तो आप एक बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि कैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल को डाउनलोड करना आपको सिखाया है। वेबसाइट उनका अलग है, लेकिन जब आप उसे ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा, राजधानी का और यमुना का। दोनों में से आप कोई भी क्लिक करके आप सेम प्रोसीजर से अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपना जो बिजली का बिल आता है उसके अंदर हमने कैसे अपने नाम को चेंज किया। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हमें सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और गूगल पे जाकर हमें टाइप करना है BSESC का ऑफिशियल वेबसाइट का। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां जाकर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास सामने बिल्कुल पेज ओपन हो जाएगा, सीधा वेबसाइट ओपन हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर आपको होम पेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, राजधानी और यमुना, दोनों सेम ही है। जैसे आप क्लिक करोगे राजधानी का तो राजधानी का ओपन हो जाएगा, अगर यमुना का ओपन करोगे तो यमुना का ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे नेम चेंज का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करके हमें ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में आपको ध्यान रखना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट का डिवीज़न लगता है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आपका यूज़र नेम, फ्रेंड्स आपको याद रखना है यूज़र नेम में कोई भी कैपिटल वर्ड का यूज़ नहीं करना है, सारे स्मॉल होने चाहिए, @ या फिर कोई भी ऐसा स्पेशल वर्ड का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपका यूज़र नेम नहीं बन पाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पासवर्ड में भी आपको कोई ऐसा पासवर्ड यूज़ नहीं करना है जिसमें @ या फिर कोई भी स्पेशल कैप्चर का यूज़ हो रहा हो, जैसे माइनस हो गया, @ हो गया, हैज़ हो गया, स्टार हो गया, इनका यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है जो भी आपके आधार कार्ड पे है, उसके बाद सरनेम नहीं है, या फिर लास्ट नेम में अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आपको अपना नाम जो कि आपका जो भी सिंगल नेम है वो नेम आपको दो बार टाइप करना होगा, फर्स्ट और लास्ट में, और पासवर्ड का मैंने बता दिया है। उसके बाद जो नंबर आपने इसमें फिल किया है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को हमें यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही हम OTP को एंटर कर देंगे हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम चेंज नेम पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमसे CA नंबर मांगेगा, कौन से बिजली के बिल का, आप इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा बिल है जिसके अंदर आप अपना नेम चेंज करवाना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पर CA नंबर जैसे ही डालूँगा उस नंबर पर जो भी फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होगा उस फ़ोन पर एक OTP आएगा। फ्रेंड्स, उस OTP को हमें यहाँ पर डालना है। जैसे ही OTP डालेंगे सारी चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फिर नाम सेलेक्ट करना है, नाम सेलेक्ट करके फिर हमें ये फॉर्म को भरना होगा जिसमें नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये सारा आपको फिल करना है। उसके बाद फादर नेम हो गया आपका, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल केयरफुली भरना है जिससे कि कोई भी गलती ना हो, नहीं तो आपका ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। आगे से वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आपका फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से भरें। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने का ऑप्शन है, उसके लैंडलाइन, अगर आपका लैंडलाइन का कोई नंबर है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, फ्रेंड्स आजकल एक नया ऑप्शन आ गया है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा वो अब आपके व्हाट्सएप पर आया करेगा और वो वैलिड होगा, कहीं अगर आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल को तो ये व्हाट्सएप नंबर हमें वो देना है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर एक्टिवेट हो, क्योंकि एक्टिव व्हाट्सएप रहेगा तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप वहाँ पे देख सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि 0 बिल आ रहे हैं दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोगों का, जिस वजह से बिजली का बिल कम आ रहा है लोगों का, तो बिल नहीं आ रहा है घर पे।
और उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको 200 DPI में स्कैन कर लेना है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक यह अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड और प्रॉपर्टी के पेपर, ये दो चीज़ें सिर्फ अपलोड करना है। उसके बाद जैसे ही सबमिट कीजिएगा आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, इसका प्रिंट करके आप रख लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद आपको कहीं भी इस पेपर को विजिट लेकर विजिट नहीं करना। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जो भी मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाकर देखा है और कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर तब भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। फ्रेंड्स, से मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।